बल्ला चलेगा या शेर धाड़ेगा या तीर करेगा शिकार। आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात कल होंगे। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। रियासत आजाद जम्मू कश्मीर के 33 और मुहाजरीन के 12 हलकों पर पोलिंग होगी। 45 इंतखाबी हलकों में 724 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। 40,000 पुलिस अहलकार और पाक फौज के 7,000 जवान तैनात। कश्मीर पर रेफरेंडम से मुतालिक इमरान खान का बयान, कश्मीर कॉज से गद्दारी है। शहबाज शरीफ का मौकिफ, कहा इमरान खान न्याजी आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम की बात करके पाकिस्तान के तारीखी और आइनी मौकिफ से इन्हेराफ कर रहे हैं। तनाज़ा जम्मू कश्मीर पर, पाकिस्तान सलामती काउंसिल की करारदादों से हटकर किसी मौकिफ को पूरी कौम मुस्तरद करती है। कश्मीरियों की मर्जी और मुशावरत के बगैर कोई हल उन पर थोपना भारत की मदद के मुतरादिफ है। इमरान नियाजी के बयान से खदशा दुरुस्त साबित हो गए। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद कहते हैं, कश्मीरियों ने इमरान खान को अपना नंबर वन लीडर माना। आलमी सतह पर कश्मीर का मुकदमा सिर्फ इमरान खान ने लड़ा, वो दिन दूर नहीं जब आजादी कश्मीर का मुकद्दर बनेगी। मुराद सईद ने कहा कि कश्मीरियों ने वक्त से पहले इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया। हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे। बुरी कारकर्दगी के बायस नून लीग को अपनी शिकस्त नजर आ रही है। वजीर आजम आजाद कश्मीर का फोकल पर्सन फायरिंग के वाकये में शामिल था। लंदन में नवाज शरीफ से अफगानिस्तान के मुशीर बराए कौमी सलामती हमदुल्ला मुहिब और वजीर मुमलिकत बराए अम सैयद सादात नादरी की मुलाकात। अफगान सदर का पैगाम पहुंचाया। नवाज शरीफ ने अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए तजावीज़ दी। मुलाकात में साकदार भी शरीक थे। शहबाज गिल कहते हैं, मिस्टर मुहिब नवाज शरीफ के लिए मोदी का खास पैगाम लाए। शहबाज गिल का इल्ज़ाम, कहा क्या इस सब से वाजे नहीं हो जाता कि नवाज शरीफ का एजेंडा क्या है। मुलाकात का मकसद था कि कश्मीर के इलेक्शन के तनाज़े को मुतनाज़े बनाया जाए। मुलाकात इसी मुनाफिकाना एजेंडा पर हुई। इसराइली सॉफ्टवेयर से कश्मीरी रहनुमाओं की भी जासूसी का इंकशाफ। मीरवाइज़ उमर फारूक, बिलाल उन सैयद, अली गिलानी के ख़ानदान के 4 और महबूबा मुफ्ती की फैमिली के 2 अफराद की जासूसी की गई। 5 कश्मीरी सहाफ़ियों के फ़ोन भी हैक किए गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी। बांडीपुरा में 2 निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 32 संवाद, 1,841 केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.89% रही। असद उमर कहते हैं, खित्ते में कोरोना से अमवात की सबसे ज्यादा शरह ईरान में है। भारत में 10 लाख अफराद में 301 और पाकिस्तान में सिर्फ 102 अमवात हुई। ये सब बरवक्त फैसलों, सख्त मेहनत, अवाम के तावुन और अल्लाह की रहमत की बदौलत हुआ। ताहम खतरा अभी टला नहीं है। जवाबित की पासदारी करें, वैक्सीन लगवाएं। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उनकी सिम ब्लॉक कर दी जाए। सिंध हुकूमत का एनसीओसी खत, चिट्ठी में कहा गया है कि वैक्सीन ना लगवाने वालों के खिलाफ 4 मरहले में कार्रवाई की जाए। पहले फेज में वार्निंग जारी की जाए। दूसरे फेज में सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह ब्लॉक किया जाए। तीसरे मरहले में आउटगोइंग कॉल्स की सहूलत बंद की जाए और चौथे और आखिरी मरहले में सिम को ब्लॉक कर दिया जाए। सिंध में तालीमी इदारे बंद करने का फैसला मुस्तरद करते हैं। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिफ मिर्जा का बयान, कहा सिंध हुकूमत का ऐलान तालीम से संगीन मजाक है, मुस्तरद करते हैं। सिंध भर के स्कूल्स के 1 करोड़ बच्चों को भी उनका आइनी तालीमी हक दिया जाए। ईद तो गुजर गई मगर कराची की सड़कों पर पड़ी आलाइशें और बू खत्म ना हुई। लोगों के गैर जिम्मेदाराना रवैये और सफाई के नाकस इंतजामात से फजा में तआफ़ुन, बीमारियां फैलने का खदशा। और टोक्यो ओलंपिक शूटिंग मुकाबले में पाकिस्तान के गुलफाम मेडल राउंड तक ना पहुंच सके। नवीं पोजीशन हासिल की फाइनल राउंड के लिए।